और माय गॉड मैं दो नाम लिख लीजिए मेरा भी लिख लीजिए ठीक है ये 3 महीने का
अब ये कागज यहां पे आप लोगों का कागज किसने बनते हैं? वेरी गुड सिस्टर, सिस्टर वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जैसे मैंने कहा पंखा सब में पंखे बनाए, वेरी गुड कश्ती, मैंने कहा था कश्ती में, मैंने आपने क्या किया वो क्या पाए। अब देखते हैं कि ये कागज लास्ट करने की बात क्या है, इस कागज को आखिरी कर देते हैं और कागज किसी लायक नहीं था। लाइक बनाना ना बनाना किसका काम था? कागज का, उनका काम, उनका जो कागज को हैंडल कर रहे। अब देखते हैं कि यहाँ जितने लोगों ने कागज का सर नजर लिया आपके लिए अच्छी बात होगी आप माशाल्लाह सर वेरी गुड। अरे वाह आप लोग खेल बनाए हैं, क्या कहते हैं पानी का शिप बनाए, क्या अभी भी ये कागज लाइव है? वेरी गुड, आप मेरे साथ प्रदर्शन जरूर किया बात है। हमारे यहां मैं क्योंकि अपनी टॉपिक पे आ रहा हूं
मेरा एक बच्चा है वो हमारे साथ अहम तरीन शुबे में शामिल हो जाएंगे। देखिए जनरली हमारे यहाँ तरबियत के कई तरीके हैं, उनमें से एक हमारा देसी तरीका है और ये देसी तरीका बड़ा होता है, चीन तरीका बड़ा कमाल का तरीका। इसमें बच्चों को समझाते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और फिर जब वो नहीं समझता तो उसको रॉ गुस्सा दिखाते हैं और फिर भी नहीं समझता प्यार से भी नहीं समझा गुस्से से भी नहीं समझा तो फिर क्या करते हैं बोले ना मारते हैं। अब इसको हम एक उर्दू के खूबसूरत फार्मूले में ले आते हैं, पहले रोका फिर टोका और फिर ठोका, रोको टोको और ठोको, इस फार्मूले से काम चलाते हैं। असम खा के बताइए क्या कभी आपके फार्मूला लागू हुआ हुआ जिन जिन पे हुआ अपना कसम खा के बताइए क्या इस बात ने आपको बदल दिया? यानी हमें रोका गया टोका गया ठोका गया लेकिन बदल के कितना दिए, आगे अगर हम ये फार्मूला अपनाइए तो गारंटी है बच्चे बदल जाएंगे। क्यों कर रहे हम प्रोग्राम है, हम प्रोग्राम है जो कुछ हमने सीखा वो सिखाने के नहीं चीजें सीखेंगे रूप में नहीं। दुनिया में अमेरिका में इधर उधर बच्चे को फौरन एक ऑलिव कमरे में सुला दिया जाता है, हम कहते हैं नहीं बेटा बस में भी बैठो चलो हम पिछली तरफ से देखते रहना ना अम्मा को, हम बच्चा अम्मा ये बेटा आ जा वो खुशी बच्चा आपको काली आवाज लगे मैं खुद का आवाज भाई बच्चा आप कौन है रोके माँ का 9 महीने का वो 9 महीने उसको डेवलप करती है
अंदर करने वाली है, ज्यादा उसका रुतबा जोड़ा है, उसका रुतबा कम नहीं किया है, लेकिन इनका रुतबा और बढ़ा दिया है। बाप का कल नहीं हुआ, ये ख्याल मेरे मुझे मेरे ख्याल कर, लेकिन वो जो 9 महीने वो अमल गुजरा है, जो कि पहला फेज आप लोगों का, इसलिए मैं ज्यादा करूं बीच में आया गुरु में पहुंच गया। तो होता क्या, अब यहाँ पे बहुत अहम फैक्टर है इसमें, जो टीचर्स हैं वो ज्यादा इसको एक्नॉलेज करेंगे कि ऐसा होता है। हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए जिनको लाभ आप कुछ करें, या तो वो रो रहे होते या सहमे में बैठे होते, आप लोग बेटे जाओ बेटा ये खा लेते बेटा आए खेलने चले, नहीं 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 क्यों लगा हुआ है, क्या होगा खेलने में चलो बेटा सलाम करो बेटा चलो कितने बात को लेकर कहां जा रहे हो। हमने देखा बहुत सारे खवातीन सॉरी सीनियर जब होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है आपसे कुछ भी पूछें वो कहेंगे नहीं, खाना खाएंगे मैं खिड़की खोल दूं नहीं, अच्छा खोल दूं, बट ये नहीं का लफ्ज होंगे, ये लफ्ज जब माँ के पेट में बच्चा होता है और वो बिहेवियर जो उस माँ के साथ किया जा रहा है वो अनकॉन्शियसली वो बच्चा रिसीव करता है, रिटेन करता है। मसलन एक बच्चा माँ के पेट में है और बाप से ये कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए औलाद, ये क्या है और मुझे लड़का चाहिए, लड़के ये नहीं चाहिए, अगर कोई बटन होता तो बहुत आसान होता। हमारे माशरे में ऐसे होता है, हमारे माशरे में होता है वो चॉइस माँ को देते हैं, जैसे उसके बाद वो बैटरी लगी हुई मशीन लगा था बेटा चाहिए हो जाए बेटी चाहिए पहले तो काम ठीक है, अब वो जो निकलेगा वो पता कौन वो दो दफा पता चलता, जब प्यार में बाप ही नहीं है तो माँ के कैसे, तो वो जो पूरे भर बाप कह रहा है वो मां सुन रही है पर उसके प्यार में नहीं है तो वो औसत आएगा, अगर बाप की बेटी हो गई तो क्या होगा, अब जो भी होगा हॉस्पिटल में अलग ही होगा, उसका नाम हम वजाहत रखते हैं, लेकिन हरकत में वजिया वाली करेंगे, क्योंकि वो ना उसको लड़की था, बाप मां ने पूरी कोशिश की कि बाप जैसा चाह रहा वैसा हो जाए, वो ऐसे नहीं हुआ, जो खुदा करना चाह रहा था वो उसके राजी नहीं, हम अपनी जगह को लेके हमारा है क्या हिस्सा, छोटा सा एक लम्हे पर थोड़ा सा हिस्सा, उस थोड़े से पे हम 9 महीने एक प्रोसेस गुजरा है, हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे, हम अपने वाले लम्हे को एक्नॉलेज कर रहे हैं, हमारा है क्या, आपको कोई जायदाद दी है क्या, अल्लाह ने आपके नाम कोई एफिडेविट लिख के भेजा है आपकी प्रॉपर्टी नहीं, निकाह नामे भी पाकिस्तान से थोड़ा पाकिस्तान बनने के बाद जब अंग्रेज आए तब निकाह नामे रजिस्टर्ड होना शुरू हुआ, इससे पहले निकाह नामे का कसम नहीं था, बस शादी हुई इकरार हुआ सबने ले लिया, वलीमा जो है कॉन्सेप्ट है हमारा वो ही मान लिया जाता था कि शादी हो गई, पेपर में कहीं नहीं लिखा होता जौजा फनाफन, वो खुद ही कहते थे सुनिए, अच्छा उसमें मजा आता सब सुनते थे सुनिए सब सुनिए, नाम पर लेते नहीं थे उस जमाने में, नाम पर लेते नहीं थे, जब ये आए उनको बुला दे सब चले आते थे जी बोले, अब तो खैर होता है रशीद इधर है याद प्लीज, तो मसल में बजा नहीं आना तो बीवी ने इसके टॉट भी बोल देते, जब माँ बच्चे को कंसीव करती है और बाप दादी उसकी माँ उसका अपना बाप यानी बच्चे का नाना जब चीजें बोल रहे होते हैं तो वो औरत सुन रही होती है, और वो जो सुन रही होती है जब उसके नाली के जरिए रिजा उसको मिलती है उस बच्चे की तरह ताजा रहने के लिए, उसकी जहनी नशोनुमा के लिए सोच भी मिलती है, ये सोच है दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक अच्छी सोच एक बुरी सोच, जो अच्छी सोच है थॉट पॉजिटिव थॉट है वो उस बच्चे की डेवलपमेंट में आगे बहुत काम करेंगे, लेकिन जो नेगेटिव थॉट है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, और इसको हम टेक्निकली इनग्राम्स कहते हैं, तरकीब दे वाकया, अभी हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे, अभी बैठ कर इसको एक्सपीरियंस करेंगे कि मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, मैं इसलिए इधर हूँ कि अभी बात चल रही है बच्चे की 9 महीने के अंदर अंदर तो मैं इधर ही रहूँगा, बट आप समझिएगा कि टेक्निकली हमने कहा, मैंने कहा था हमने कहा गलतियाँ की हैं इस पर बेस्ड,
तो मैं बच्चे नहीं पैदा करना यही था। उसने फालतू में बोल के ऐसा सुनने में आता है खुद की ओर बता एहतियात तो आप होकर ब्लेम आप औरत को दे रहे ब्लेम औरत को देगी तो औरत क्या करेगी वो तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसके पेट में जो परवरिश परवरिश बाढ़ आ रहा है पहले लम्हे से ज्यादा पहले जिसे खुदा कहते हैं ना कि हमें दिल में तुम्हारी ख्वाहिश उठती नहीं है दुआ की कि मैं उसको भूल कर देता मुझे पता है क्या होगा ठीक है। इसी तरह बच्चा भी दुनिया में नहीं आया लेकिन माँ पे तो उसके साथ एक रब्ता हो चुका है एक अजीब सा एक प्यार हो चुका है जब वो कंसीव करने के बाद उसको डेवलप करेगी तो ये तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा क्या वो माँ ये चाहेगी क्या बच्चा ना हो नहीं चाहिए ना ठीक है अजीब के शिकार होंगे। अब उस बच्चे के जहन में वही आ रहा है माँ सोचे ना हो तो अच्छा ना अब ये बच्चा बड़ा होगा पता क्या है मैं ना ही लगा होगा तो अच्छा आपका गलत कर रहा होगा बिकॉज ये सोच जब काम होगी जब माँ को बाजरा पा जाता है कबार हालात बहुत खराब बच्चा हमेशा जब बड़ा होगा फाइनेंशियली मामला में रहेगा फाइनेंस के मामला में बहुत आएगा क्योंकि उसको औलाद की पैदाइश और घर में जिक्र पैसे का बहुत हुआ है माँ सुनती रहे अगर दादी ने कहा कि भाई मैं नहीं जानती मुझे नहीं पता लेकिन ये बच्चा जो है ये हमारे खानदान के नाम पर नक्शा होना चाहिए माशाल्लाह सारे लोग चंगेजी हैं अगर इसकी पत्नी ना हुई पत्नी ना बच्चा पूरे वो बैठ गए ये करता रहे अनकॉन्शियस ये उसके नाम पर की करता रहे इसके मैं मेरी खाला अल्लाह ने खुश रखे हयात बड़ी की है खाना बड़ी की है खाला हम तो अम्मी कहते हैं वो हमेशा मुझे कहती थी तुम्हारी नाम जो है वो 120 से प्लॉट मैं कपड़े पकड़ने वाली लड़की की चिमटी यहाँ लगा के बैठता हूँ उसे समझ लेता ताकि उनके चक्कर खास पकड़ी हो जाए पता नहीं कितनी बचपन की जो दिन है और रात है रात नहीं वो मेरी चिमटी के ऊपर हो गई और अनकॉन्शियसली अभी भी कभी कभी यूज करता हूँ रात को दवाई